और टाइगर रिजर्व बनाने के इस निर्णय से केवल वन क्षेत्र पर भी बढ़ावा मिलेगा और जंगल तो हमारा समृद्ध होगा ही और पर्यावरण भी इस रिजर्व टाइगर के निर्णय से हमको लगता है कि बढ़ेगा। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। अभी गांधीनगर में एक समिट हुआ था और मुख्यमंत्री के नाते हम भी वहां पर भाग लिए थे, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में उस समिट में शामिल हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सोच है आने वाला 2030 तक इस देश में रिन्यूएबल एनर्जी 500 गीगावाट उसका प्रोडक्शन हो। अभी हम लोग 200 गीगावाट इस देश में पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय में 2030 तक हम लोग को 300 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी काफी सोलर के दिशा में काम कर रहे हैं और हाइडल में भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मोदी जी का जो संकल्प है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट करने का, उसमें हमारा प्रदेश भी सहभागी होगा और हमको लगता है कि सब इसी तरह से चिंता करेंगे, इस तरह से सम्मेलन करेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी भी है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए ये 3 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले 3 दिनों में बड़ी सार्थक चर्चा होगी। हमारे और भी विषय विशेषज्ञ होंगे, उनके भी विचार सभी लोग सुनेंगे और सब मिलकर इस दिशा में अच्छा काम करेंगे। मैं इस शिखर सम्मेलन के सफल संपन्न होने के लिए अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए और पूरे देश से कई विषय विशेषज्ञ और भी प्रतिभागी आए हैं, सबका एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की धरती में माता कौशल्या की धरती में अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और निश्चित तौर पे आपके कुशल अगुवाई में हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। इस बीच में संक्षिप्त धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर पीयूष कांत पांडे जी कुलपति यूनिवर्सिटी को आमंत्रित करता हूँ।